19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधन करते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया था और माफी भी मांगी थी। इसके बाद मीडिया में इस मुद्दे पर डिबेट भी हुई और कुछ ऐसे सवाल पूछने लगे कि अगर सरकार ने कानून वापस लिए तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा। कान बहाना है क्या, असली मकसद भड़काना है क्या, इस तरह की जिद ब्लैकमेल नहीं है। कुल मिलाकर सरकार एक मांग मानेगी तो चार दूसरी मांगे सामने रखती जाएगी, लेकिन तंबू नहीं उखड़ेंगे। तंबू दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े रहेंगे और किसान नेता असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहेंगे। तो सवाल ये है, बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, हर आम आदमी पूछ रहा है कि कानून वापस चले गए, किसान जी आप कब वापस घर जाएंगे। किसान नेताओं का लक्ष्य MSP पर कानून बनवाना नहीं, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को हराना है। इसका मतलब ये है कि आप लोग भरोसा नहीं करते हैं, आपको मोदी पर भरोसा नहीं। मीडिया के इन सवालों का जवाब समय समय पर राकेश टिकैत अपने भाषणों में देते आए हैं। जितने भी हमारे पेपर के साथी हैं, वो एक ही क्वेश्चन आपसे करेंगे कि तीन कानून वापसी हो गया, आप घर क्यों नहीं जा रहे। ये 10 दिन का अभियान चलेगा, उसमें सचेत रहना, घबराने की जरूरत नहीं। उससे ये तीन काले कानून कोरोना के टाइम पाए, कोरोना एक देश में बीमारी थी, कोरोना देश की जनता के लिए बीमारी थी, तीन कानून भी देश की जनता के लिए बीमारी थे। दोनों का उद्गम स्थान एक ही टाइम पे हुआ। क्या कोरोना खत्म हो गया, क्या देश से पूरी बीमारियां खत्म होगी, क्या अस्पतालों के ताले लग गए, देश में कोई बीमारी नहीं है। इसी तरह से तीन काले कानून वापसी होना किसानों की बीमारी खत्म होना नहीं है, किसानों की और भी बहुत बीमारियां हैं। सबसे बड़ा इशू MSP। जब लोकसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे करीब 700 किसानों की मौत और उनके परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या नहीं, इस पर केंद्र ने लोकसभा में जवाब दिया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा दिए जाना या फिर इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बारे में अधिक जानकारी रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में दी है। कई सवालों में आखिरी के दो सवाल हैं कि किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा दीजिए और बताइए कि क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो जवाब में कृषि मंत्री कहते हैं कि इस मामले में कृषि मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने किसान आंदोलन के दौरान संसद में पूछे गए 4 अलग-अलग प्रश्नों और 4 जवाबों को दिखाया, बताया कि 2 जवाब में सरकार कह रही है कि कितने लोगों की मौत हुई है, 1 जवाब में कहती है 3 लोगों की मौत हुई है, 1 जवाब में कहती है 1 किसान ने आत्महत्या की। लेकिन अब जब संयुक्त किसान मोर्चा पूरी सूची के साथ मुस्तैद है कि 700 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, 1 साल बाद सरकार कहती है उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का सवाल नहीं। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है कि उनके पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास सभी के नाम हैं। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या
उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया था। ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार ने ऐसा जवाब दिया हो। इससे पहले भी सरकार से लोकसभा में पूछा गया था कि कोरोना की दूसरी वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है, तो सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि कोई भी मौत नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी वेव के दौरान हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की काफी खबरें भी आई और मौतों की। Jaipur Golden Hospital has claimed that 25 critical patients lost their lives. The hospital today has informed the Delhi High Court that 25 patients in the hospital lost their lives because of the non-availability of oxygen. Jaipur Golden Hospital में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से 25 लोगों की मौत की खबर आज भी परिजनों के जहन में गूंज रही है। गंगाराम अस्पताल में भी 25 लोगों के ऑक्सीजन की कमी से मरने की खबर आई थी। 16 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि 12 मई से 16 मई के बीच 83 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपनी वीडियो में इस मुद्दे पर बात की और सरकार पर सवाल भी उठाए। मगर एक तरफ दोस्तों, जहां सरकार में बेदिली साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, जब संसद में यह पूछा गया था कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे, यह खबर आपको याद है, जब यह बतलाया गया था कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मारा गया, कितना करारा तमाचा था देश के जनता के मुंह पर, आपको याद है जब लॉकडाउन हुआ था और उस लॉकडाउन के बाद कई मजदूर मजबूर हो गए थे पैदल चलने के लिए दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश, और उस वक्त जब सरकार से पूछा गया था कि कितने मजदूर मारे गए, सरकार का क्या जवाब था आपके स्क्रीन पर? मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं तो मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता, यही बात सरकार ने संसद में कही थी। आप देख रहे हैं दोस्तों, भाषा में कोई फर्क नहीं है, तीनों बयान, मजदूर, कोरोना में जो लोग मारे गए और किसान, तीनों को लेकर इनका रटा रटाया जवाब है, आंकड़ा ही नहीं है तो मुआवजा ही नहीं देंगे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़। इस मुद्दे पर न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में सरकार के नेताओं से सवाल भी किया था, अब खुद देखिए ये डिबेट। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपके गले उतर रही है ये बात, ये जवाब गले उतर रहा है। कितने चालाकी से आपने प्रदेश सरकारों को बीच में से पूरी व्यवस्था से, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, कोई चालाकी नहीं की है, नहीं अभी मैं चालाकी नहीं करता, चालाकी कौन कर रहा है देश जानता है। नहीं सुन लो, फिर मेरी बात सुन लो, आप नहीं कर रहे तो मैं रीना गुप्ता जी यहाँ बैठी हुई है दिल्ली की, ये बताएं कि दिल्ली में कितनी ऑक्सीजन की शॉर्टेज से मृत्यु हुई है, ये क्या इन्होंने सेंट्रल को रिपोर्ट किया है? अभी पूछूंगा ना, छोड़ूंगा थोड़ा पीछा, बात ये है अभी अपने आपके शब्दों की बात मैं बात कर रहा हूँ। देखिये उसमें क्या कहा है पार्लियामेंट में कि किसी स्टेट में या रिपोर्ट नहीं किया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से यहाँ हमारे यहाँ पे, मैंने एग्जैक्टली यही पढ़ा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये नहीं सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है, राज्य सरकारें संजय हैं, नहीं सरकारों को नहीं दिखता, केंद्र सरकार को नहीं दिखता कि देश में मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते, संजय ने जो बता दिया वही वर्णन मान लिया। देश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी, पर अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े देने भी बंद कर दिए हैं। खैर, आप इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।